हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग बहुत हैप्पी हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो एंड सबका ख्याल रख रहे हो। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। एंड आज का हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं बहुत जनरल रीडिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तीन पाइल्स है। एंड आज का टॉपिक ये है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, एनर्जीज़ है, जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ है, आप उन्हें जैसे भी मानो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक है और आपके पास तीन पाइल है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। सो आप अपना पाइल चूज़ करें, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3, फिर हम देखेंगे कि आपके गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एंड मेरे सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कमेंट्स में, इसीलिए मैंने बता दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अपना पाइल्स पिक करो, फिर हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है देन आप मेरे पाइल नंबर 1 हो। एंड हम देखेंगे कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, एनर्जीज़ है, यूनिवर्स की एनर्जीज़ है, सब लोग आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको इस वक्त, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, सो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपके साथ ज़रूर करे एंड आपको इससे कुछ भी हेल्प मिले। ओके, सो आपके ओरेकल कार्ड्स हम देखेंगे। ओह, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, ये आपके ओरेकल कार्ड्स है, दिस इज़ द मेन एनर्जी फॉर द रीडिंग। सो आपको शायद कुछ आंसर्स चाहिए, जिसका आपको तलाश है, जिसका आपको वेट है, सो वो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। सो सम जनरल मैसेजेस फॉर माय पाइल नंबर 1 फ्रॉम द यूनिवर्स। जनरल मैसेजेस फॉर माय पाइल नंबर 1 फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, okay, so we have the Ace of Wands, we have the Ten of Pentacles and the Four of Cups. So the first message that I'm getting here with the Ace of Wands आपके लिए, मुझे जो दिख रहा है कि एक ऑफ़र आने वाला है, कोई भी ऑफ़र हो सकता है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती हो। अगर मे बी ये जॉब ऑफ़र हो सकता है, ये लव ऑफ़र हो सकता है, कुछ एक नया बिगिनिंग, अ लॉट ऑफ पैशन, मे बी ऐसा कुछ जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट फील करते हो, मे बी वो एक पर्सन है, मे बी वो एक जॉब है, मे बी वो एक करियर अपॉर्चुनिटी है जो यूनिवर्स आपको प्रेजेंट करेगी फ्यूचर में, आने वाले दिनों में, मे बी जिसका आपको जवाब चाहिए था वो जवाब शायद आने वाला है। सो या डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव, ठीक है। सो डेफिनेटली एक ऑफ़र इज़ कमिंग। यू हैव द टेन ऑफ पेंटिकल्स, सो पेंटिकल्स मे बी ये जॉब ऑफ़र हो सकता है, करियर ऑफ़र, मनी ऑफ़र। सो विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड बात करता है अबंडेंस की, बहुत सारा इनकम, बहुत सारा मे बी कोई लॉटरी जीतने वाले हो आप, आई गॉट दिस मैसेज, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है बट वेरी फ्यू ऑफ यू, मे बी कोई लोग लॉटरी जीतने वाले हो। सो या डेफिनेटली अ लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग, बहुत सारा मनी, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा मटीरियल चीज़ें, मे बी आप कुछ ख़रीदने वाले थे जो कि बहुत कीमती हो, एक्सपेंसिव है, आप बहुत दिनों से ख़रीद नहीं पा रहे थे, मे बी आप अभी वो ख़रीद पाओगे, फंड्स का अरेंजमेंट हो जाएगा, ये भी एक मैसेज है जो मुझे आ रहा है। विद द फोर ऑफ कप्स, आई थिंक ये किसी के लिए है कि कोई शायद आप कोई ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, या फिर आपने कहीं इंटरव्यू दिया था, या आप किसी को कुछ ऑफ़र दिए थे, मे बी पास्ट में वो पर्सन या वो ऑफ़र, जिसको भी आप ऑफ़र किए थे कुछ, वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो पर्सन, लेकिन आई थिंक अभी वो करने लगेंगे, ठीक है। वो पर्सन हो, चाहे कोई कंपनी हो, या कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, लेकिन डेफिनेटली मुझे बहुत सारा मटेरियल अबंडेंस दिख रहा है। यहाँ पे कप्स का कार्ड है, यहाँ पे फायर, दिस इज़ वाटर, दिस इज़ अर्थ, तो मुझे सारे एनर्जीज आ रहे हैं यहाँ पे। सो हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्स, व्हाट इज़ दिस एस ऑफ वॉन्स अबाउट, एस ऑफ वॉन्स अबाउट, व्हाट इज़ दिस एस ऑफ वॉन्स अबाउट, व्हाट इज़ दिस एस ऑफ वॉन्स अबाउट। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे,
वाई इज दिस टेन ऑफ उप्स नो 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 एक कार्ड लेंगे हम लोग ठीक है जस्टिस फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे फोर ऑफ कप्स पायल नंबर वन फोर ऑफ कप्स फॉर माय पायल नंबर वन फोर ऑफ कप्स फॉर माय पायल नंबर वन ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून सो डेफिनेटली आई थिंक ये जो ऑफर है कुछ लोगों के लिए आप किसी चीज़ को लेके बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे थे पास्ट में आपको लग रहा था कि आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हो जहाँ से निकलना नामुमकिन है ये मे बी आप किसी फिनेंशियल प्रॉब्लम में फंस चुके थे या फिर मे बी आप किसी रिलेशनशिप के इतने प्रॉब्लम्स में फंस चुके थे किसी पर्सन के साथ फंस चुके थे या प्रॉब्लम में फंस चुके थे डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगा ठीक है सो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है आपके एंजल्स कहना चाहती है जो भी आपका प्रॉब्लम था या जहाँ भी आप जो भी है आपके लाइफ में जिस पे लाइक जिससे आपको ये फीलिंग आती है कि आप फंस चुके हो आप नहीं निकल पाओगे ये चाहे ये मेंटल ट्रॉमा हो सकता है ये सीरियसली इन रियलिटी आप कहीं फंस चुके हो तो द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि आपको वहाँ से निकलने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा यूनिवर्स से एंजल से आप उस फंसा हुआ जगह से आप निकल पाओगे ठीक है चाहे वो आप अपने दिमाग में फंस चुके थे आपको समझ में नहीं आ रहा था तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप किसी पर्सन के साथ फंस चुके थे आप निकलना चाह रहे थे तो वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर मे बी किसी प्रॉब्लम में फंस चुके थे फिनेंशियल प्रॉब्लम सो डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग ठीक है सो दैट इज़ द फर्स्ट मैसेज एंड यहाँ पे विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द जस्टिस आई एम गेटिंग द फीलिंग कि बहुत लोगों के लिए ये कोई लीगल मैटर हो सकता है मे बी आप कोई केस लड़ रहे थे कोर्ट पे केस लड़ रहे थे सो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ था तो वो पैसा आपको मिल जाएगी ठीक है सो डोंट वरी आपको जस्टिस मिलेगी वही मैसेज है एट द एंड ऑफ द डे आपको जस्टिस मिलेगी एंड बहुत लोगों के लिए ये जस्टिस इज़ रिलेटेड टू मनी ठीक है फिनेंसेस अच्छा तो किसी लाइक हर एक इंसान के लिए सिचुएशन डिफरेंट होगा लेकिन फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू पाइल नंबर वन आई थिंक ये रिलेटेड टू मनी फिनेंसेस है अगर आप किसी और चीज़ के बारे में पूछ रहे हो तो हो सकता है वो चीज़ ठीक है एंड विद दिस थिंग आई थिंक जो आप शायद कोई ऑफ़र आपका रिजेक्ट कर रहा था ये लव ऑफ़र हो सकता है करियर ऑफ़र हो सकता है जॉब बिजनेस कुछ भी ऑफ़र हो सकता है मे बी आप किसी को कुछ ऑफ़र किए थे एंड वो पर्सन रिजेक्ट कर दिया था ऑफ़र या मना कर दिया था जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ था बट विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई एम सीइंग कि ये जो रिजेक्ट किया था दिस वाज बिकॉज ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन डिवाइन आपके साथ है यूनिवर्स आपके साथ है एंड ये ऑफ़र इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि डिवाइन नहीं चाहता था मे बी आपके लिए कुछ बेटर है हो सकता है ये पर्सन या जहाँ भी आप ऑफ़र दिए थे ये वापस ऑफ़र आपका एक्सेप्ट हो जाए वहीं पे अगर वहीं पे नहीं भी हुआ तो इससे भी बेहतर कहीं पे हो जाएगा ठीक है दैट इज़ द मैसेज एंड ऑब्वियसली वी हैव योर ओरेकल कार्ड्स द आंसर यू नीड आर कमिंग सो डेफिनेटली अगर आपका कोई आंसर है जो आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे यू नो अपने गॉड से पूछ रहे थे सो आपको आंसर मिल जाएगा कैसे भी आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए एंड अगर आप कुछ विश करना चाहते हो देन प्लीज़ मेक अ विश यूनिवर्स से मांग लो एंड क्योंकि आई थिंक यूनिवर्स आपको वो चीज़ ज़रूर दिला देगी अगर वो सबके हित में हुआ तो ठीक है थैंक यू सो मच पायल नंबर वन बहुत छोटा सा रीडिंग था लेकिन ये एक शायद एक रिक्वेस्टेड रीडिंग था सो थैंक यू सो मच हाई हेलो एंड वेलकम बैक इफ़ यू हैव चोजन दिस स्टोन देन यू आर माई पायल नंबर टू सो देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है यूनिवर्स का क्या एडवाइस है आपके लिए ये यूनिवर्स आपके एंसेस्टर्स गॉड एंजल्स आप कुछ भी बोल सकते हो आप जिसमें मानते हो ठीक है ओके सो द ओरेकल कार्ड इज इमोशंस आर रनिंग हाई मे बी इस वक्त आप किसी चीज़ को लेके इमोशनल है या फिर आप किसी के लिए या कुछ चीज़ के लिए थोड़ा इमोशनल फील कर रहे हैं मे बी कोई आपके लिए इमोशनल फील कर रहा है बहुत कुछ हो सकता है ठीक है सो हम देखेंगे कि आपके लिए कुछ आपके एंसेस्टर्स एंजल्स गाइड्स स्पिरिट यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है इस वक्त उप्स हम एक कार्ड लेंगे
ओके, क्या कहना चाहती है आपसे? वी विल सी फॉर माई पायल नंबर टू. ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. एंजल्स, गाइड्स, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है? ओके, वी हैव द वर्ल्ड. एंजल्स, गाइड्स एंड यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है? ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओके ओके, सो द एनर्जी आई एम गेटिंग हियर माई पाइल नंबर टू इज विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. आई एम सीइंग कि अगर आपसे किसी ने कुछ झूठ बोला था पास्ट में, या आपको शक है कि वो कोई आपसे झूठ बोल रहा है कुछ, अगर मे बी कुछ छुपा रहा है, या आपके पीठ पीछे कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है या अच्छा बोल रहा है, अगर आपको शक था कि कोई आपके झूठ बोल रहा है, कुछ गलत कर रहा है आपके पीछे आपके बारे में, देन आई थिंक वो चीज़ आपको पता चल जाएगा, वो चीज़ खुले में आ जाएगी. अगर आप बोल रहे थे किसी के बारे में तो वो भी खुले में आ जाएगी. ठीक है, दिस इज़ अ वार्निंग. सो अगर आपको कोई आपके पीठ पीछे कोई कुछ ख़राब कर रहा था आपके साथ, तो वो आ जाएगी सामने. अगर आप कर रहे थे तो वो भी आ जाएगा. वी हैव द वर्ल्ड. मे बी अगर आपका कोई ट्रैवलिंग का प्लान था, मे बी वो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अभी जो हालत है लाइक विद द पैंडेमिक एंड द वायरस, आई डोंट थिंक ट्रैवलिंग करना सेफ है. वो मैं कह रही हूँ, यूनिवर्स नहीं. लेकिन ठीक है, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग का प्लान था, मे बी वो सक्सेसफुल हो जाएगा. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज कि अगर आप कुछ शुरू किए थे तो वो कंप्लीट हो जाएगी. मतलब कि अगर शायद आप कोई प्रोजेक्ट शुरू किए थे, मे बी आप बिज़नेस में कुछ शुरू किए थे या करियर में कुछ शुरू किए थे, तो उसमें आपको कंप्लीशन मिलेगा, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा. अगर यू नो, डिफरेंट लोग के लिए डिफरेंट होगा. विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई थिंक आपको क्लैरिटी भी मिलेगी. अगर आप किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज थे, अगर किसी चीज़ के बारे में आप बहुत सोच रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, मे बी किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, और फिर कुछ भी हो सकता है, सो उस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलेगी. मुझे और एक मैसेज आ रहा है कि अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, बहुत दिनों से नहीं कह पा रहे, वो कुछ भी हो सकता है, द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि दिस इज़ द राइट टाइम, आप जाके बोल सकते हो आपके मन में जो है. अगर आपको कुछ क्लैरिटी देनी है किसी को, या किसी से क्लैरिटी मांगनी है, ठीक है. ओके, सो हम एक और कार्ड ले लेंगे फॉर द फाइव ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. ओके, फॉर द फाइव ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर माय पायल नंबर टू. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर माय पायल नंबर टू. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर माय पायल नंबर टू. Angels and spirit guide from our pile number two. Okay. General messages from our pile number two. Okay. We have the King of Swords. हम एक ही कार्ड लेंगे फॉर द वर्ल्ड. लेट एस क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड हियर. लेट एस क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड हियर. मुझे बहुत एक्साइटिंग मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको बोल लूँगी एक मिनट में. हम एक ही कार्ड लेंगे अगेन. ओनली वन कार्ड. Universe, guides and spirits, what are the general advices from our pile number two? Universe, guides and spirits from our pile number two. Oops. King of Wands for the Queen of Wands. Page of Cups. Okay. So बहुत सारे लोग आ गए हैं यहाँ पे. आई एम जस्ट जोकिंग. सो इसको क्लैरिफाई करके आया है हमारा किंग ऑफ सोर्ड्स.
सो बहुत सारा एयर एनर्जी दिख रहा है, मे बी आप एस साइन हो या आप किसी से किसी के साथ डील कर रहे हो जो एस साइन है. सो अगर आपको किसी पर्सन को लेके, स्पेशली आपके जो पर्सन है, लवर पार्टनर जो भी, उनको लेके कोई शक था कि वो शायद आप पे चीट कर रहे हैं या वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, वो आपसे कोई झूठ बोल रहे हैं, तो वो सच सामने आ जाएगा. अगर वो झूठ बोल रहे हैं वो भी सच सामने आ जाएगा, अगर वो झूठ नहीं बोल रहे वो भी सामने आ जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ द मैसेज. एंड फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड था, आई थिंक आप अपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, अगर आप अभी तक उनसे नहीं मिले, दिस इज़ फॉर द सिंगल पीपल हियर, जो अगर आप सिंगल हैं तो मे बी ठीक है, आप अपने काउंटर पार्ट से मिलोगे बहुत जल्द. आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनसे आपकी मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द. एंड यस, किसी के लिए, किसी के लिए, सिंगल पीपल आउट देयर. एंड अगर आपको शक है कि ये पर्सन आपसे कुछ झूठ बोले हैं, छुपाए हैं समथिंग, देन वो चीज़ आपको पता चल जाएगी. डोंट वरी. ओके, विद द वर्ल्ड एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन दिस टॉक्स अबाउट डिस्टेंस. मे बी आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मे बी कोई डिस्टेंस का कोई मैटर लेके आप परेशान थे पास्ट में. फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस, सो वो चीज़ विल बी सॉल्व आउट. वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी. अगर आप किसी के साथ दूर हो गए हो किसी से, मे बी आप क्लोज हो जाओगे उस पर्सन के, ये भी मैसेज आ रहा है. एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पैशन. मे बी कोई वापस आ रहा है आपके पास्ट से. अगर कोई आ रहा है तो बहुत पैशनेट है वो पर्सन, वेरी पैशनेट. अगर पास्ट से नहीं है देन मे बी आपके आसपास कोई एक पर्सन है जो आपके लिए बहुत सारा पैशन फील करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड है वो आपसे, आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं. एंड अगर ये नहीं है देन डेफिनेटली कोई डिस्टेंस लेके मैटर था जो सॉल्व हो जाएगा. या फिर अगर आप कुछ शुरू किए थे पैशन के साथ, कोई काम, कोई नया हॉबी जिसमें आप बहुत पैशनेट थे जिस चीज़ को लेके, सो वो भी सक्सेसफुल रहेगा. ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी. विद दिस टू आई एम गेटिंग द फीलिंग कि कोई आपको कुछ ऑफर करेगा डेफिनेटली. एंड 90% लोगों के लिए ये लव ऑफर है. अगर आप लव के लिए ये रीडिंग नहीं देख रहे, देन मे बी कोई और ऑफर है जो आपको हैप्पी ऑब्वियसली करेगा. लेकिन छोटा सा ऑफर है, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन एक ना कुछ ऑफर आएगा. बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू गाइज, आई थिंक ये कोई लव ऑफर है, मे बी किसी नए पर्सन से, या फिर किसी को जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, जिसका आपको इंतज़ार है. हो सकता है डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, बट एक ऑफर आ रहा है आपके लिए बहुत जल्द. ठीक है, एंड आपको जो ओरेकल कार्ड्स है, इमोशंस आर रनिंग हाई. सो यहाँ पे मुझे बहुत इमोशंस दिख रहे हैं ऑलरेडी. वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द पेज ऑफ कप्स, वी हैव द किंग ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली बहुत इमोशंस है आपके लिए. कोई इमोशनल एक ऑफर लेके आ रहा है आपके लिए. बहुत पैशनेट कोई है, फील करता है. एंड मे बी आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से इस समय मिलने वाले हैं बहुत जल्द. कुछ भी हो सकता है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव. ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग थी. मुझे पता है बहुत छोटी सी रीडिंग थी, लेकिन ये रिक्वेस्टेड थी. सो आई होप यू लाइक्ड इट. एंड अगर आपको पसंद आई देन प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो. सो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय. हाय, हेलो एंड वेलकम बैक. इफ़ यू हैव चोजन द स्टोन, अगर आपने ये स्टोन चूज़ किया है तो आप पाइल नंबर 3 है. एंड हम देखेंगे कि स्पिरिट, गाइड्स, यूनिवर्स, गॉड, आप जिस पे भी बिलीव करते हो, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है. ठीक है, सो हम लोग देख लेंगे. पहले आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं. ओके, वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी. ओके, काफ़ी पॉजिटिव है. सो अगर कुछ नेगेटिव है आपके लाइफ में, यूनिवर्स कह रही कि उसे रिलीज़ कर दो. हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे. सम जनरल मैसेजेस फॉर माय पैनल नंबर 3 फ्रॉम द यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स. यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स. General messages for my panel number 3, universe, spirits and guides. General messages, advice. General advice. Oops, एक ही कार्ड लेंगे हम लोग. General messages for my panel number 3. Okay. हम एक ही कार्ड लेंगे. Two of swords. चैरियट,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, सो हम लोग देखेंगे, ओके सो हम लोग देख लेंगे. पहले हमारे पास है द टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है. सो इस टू ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी पास्ट में आप किसी चीज़ को लेके थोड़े इनडिसिशन में भुगत रहे थे. आपको समझ में नहीं आ रहा था आपको किस दिशा में जाना चाहिए, कौन सा डिसीजन आपके लिए सही होगा, कौन सा गलत होगा. आप किसी चीज़ को लेके थोड़े से इनडिसाइसिव थे, ठीक है. एंड विद द चैरियट कार्ड, अगेन डिसीजन का कार्ड है ये. सो डेफिनेटली आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान थे कि आपको डिसीजन कौन सा आप ले ये आपको समझ में नहीं आ रहा था. तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि यूनिवर्स आपको सुन रही है, यूनिवर्स को पता है कि आप क्या के लाइक आप क्या गो थ्रू कर रहे हो, कि आप इस इंडिसिशन में भुगत रहे हो. एंड बहुत सारे लोग के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपने गॉड से बहुत प्रे किए थे, आपके जो भी गॉड है आप उनसे बहुत प्रेयर्स किए थे इस चीज़ को लेके कि आपको हेल्प करे, आपको एक दिशा दिखाए. सो द आंसर इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी क्वीन है जो एक तो बहुत पैशनेट है एंड वो बहुत केयरिंग है, बहुत मदरली है, जो अपना बहुत ख्याल रखती है, अपने आप को बहुत रेस्पेक्ट देती है एंड बाकी सबको भी, बाकी सबको सबके बारे में भी सोचती है, अपने बारे में भी सोचती है. सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अ लॉट ऑफ पैशन, अ लॉट ऑफ फायर इन हर, ठीक है. सो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहती है कि आपका जो भी पैशन है, आप दिल से जो भी करना चाहते हो आप वही करो, ठीक है. चाहे कोई कुछ भी बोले, अगर आपको चीज़ सही लगती है दिल से एंड आपको पता है आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, देन वो चीज़ करो, ठीक है. एंड अपना ख्याल रखो एंड बाकी सबका ख्याल रखो. हम लोग फिर भी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे एक एक करके, विद द टू ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे. यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ सोर्ड्स फॉर माय पाइल नंबर 3. प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ सोर्ड्स फॉर माय पाइल नंबर 3. ओके, क्लैरिफाई द टू ऑफ सोर्ड्स फॉर माय पाइल नंबर 3. Clarify the two of swords for my pile number 3. Clarify the two of swords for my oops. Clarify the two of swords for my pile number 3. Clarify the two of swords for my pile number 3. एक ही कार्ड लेंगे हम लोग. ओके, फाइव ऑफ कप्स, क्लैरिफाइंग द चैरियट. प्लीज क्लैरिफाई द चैरियट फॉर माय पाइल नंबर 3. यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स कम थ्रू एंड क्लैरिफाई द चैरियट फॉर माय पाइल नंबर 3. यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज कम थ्रू एंड क्लैरिफाई द चैरियट फॉर. ओके ओके, so with the eight of pentacles, queen of wands ko clarify kar lenge. Please clarify the queen of wands for my pile number 3. Universe, spirits and guides. Universe, spirits and guides. Universe, spirits and guides. Come through and clarify the queen of wands. Universe, spirits and guides. Please come through and clarify the queen of wands. Okay. Page of Pentacles in reverse. Okay, so the message here first is with the Five of Cups clarifying the Two of Swords. मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप एक चीज़ को लेके, जैसा मैंने कहा, इनडिसाइसिव थी. यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि आप बस नेगेटिव साइड पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी, ठीक है, या थे. तो आपका जो एनर्जी था वो बहुत नेगेटिव हो गया था, लो वाइब्रेशन हो गया था. आप बहुत नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे अपने लाइफ में कि क्या नेगेटिव होगा, क्या नेगेटिव है, क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ, क्या खराब हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये सब, ठीक है. आप ये सब सोच में पड़ गए थे.
इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप नेगेटिव चीज़ों पे इतना ध्यान देने लगे, इसीलिए आपको इनडिसिशन में आप भुगत रहे थे, ठीक है। विद द चैरियट एंड द एट ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स को पता है कि आप इनडिसिशन में भुगत रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास रास्ता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नेगेटिविटी को छोड़िए एंड आप हार्ड वर्क कीजिए, आप जिसके जो पाना चाहते हैं, ठीक है, आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं, जिस रास्ते के लिए आप पैशनेट फील करते हैं, उस रास्ते के लिए आप हार्ड वर्क कीजिए तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो अगर आपका कोई पैशनेट काम है जो अटका हुआ था, आपको लग रहा था कि कोई सक्सेस है जो आपको नहीं मिल रही थी, वो कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप, वर्क, करियर, जॉब्स, एग्ज़ाम्स, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ ऐसा चीज़ था, आपको लग रहा था कि अटका हुआ है, स्लो मूविंग है, क्योंकि दिस इज़ इन रिवर्स, मतलब कि फास्ट, सो डेफिनेटली वो चीज़ अभी जल्दी आपको मिल जाएगी। आप जिसके लिए हार्डवर्क करोगे अगर, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है। पहले अगर स्लो भी चल रहा था कुछ आपके लाइफ में, तो अभी बहुत फास्ट चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हो पाएगा, ठीक है। आपके ओरेकल कार्ड्स कहते हैं इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सी, सो आप अगर नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, आप अगर पेसिमिस्टिक बन जाओगे, आप अगर ख़राब चीज़ों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो यूनिवर्स आपको वो गिफ्ट नहीं दे पाएगी। सो रिलीज नेगेटिविटी एंड लुक फॉरवर्ड, वर्क हार्ड, तभी बहुत जल्द आपको आपका पैशन मिल जाएगा, ठीक है। सो पैन नंबर 3, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मुझे पता है बहुत छोटा रीडिंग था, लेकिन ये रिक्वेस्टेड था, सो येस, दैट इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया हो, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना, लाइक करना, एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।